चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान स्टेट की कैटेगरी वाइज और राउंड वाइज कट ऑफ के बारे में। मैं आपको इसमें गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा और पेमेंट सीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको RUHS डेंटल की गवर्नमेंट सीट और MGMC की क्या कट ऑफ रहेगी इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ राजस्थान स्टेट की कट ऑफ बता रहा हूं, लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक स्टेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। तो बाकी स्टेट से जो कैंडिडेट हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपने कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या आपकी आपके स्टेट में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। अब जो मैंने इसमें राजस्थान स्टेट का कैलकुलेशन किया है, वो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट ने कितना परफॉर्मेंस किया है, कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, कितने स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं, और क्वेश्चन का जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल वो क्या था, और इसके अलावा जो भी फैक्टर इसमें काम करते, उन सभी को देखते हुए मैंने ये कट ऑफ बनाई है। और कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी ऑल इंडिया स्टेट आयुष वेटनरी की बुक अवेलेबल है। इस बुक में कैटेगरी वाइज कट ऑफ, राउंड वाइज कट ऑफ दी गई है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ जा सकती है। और 2024 के लिए एक च्वाइस लिस्ट भी दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आप च्वाइस फिल कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए। तो इस प्रकार से इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखी है, 4 साल की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दी हुई है, फ्लो चार्ट से समझाया गया है काउंसलिंग प्रोसेस को। ऐसे ही स्टेट की बुक में ये सारी फैसिलिटियां अवेलेबल हैं। इसके बाद में स्टेट वाइज सारे स्टेट्स के बारे में सब कुछ इस बुक्स में समझा रखा है, इन बुक्स में, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल रहेंगी। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही आयुष वेटनरी की बुक में भी कट ऑफ वगैरह के बारे में सारी जानकारी अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे, तीनों बुक्स का लिंक दिया गया है, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमारी पेड सर्विस लिमिटेड है, कुछ समय बाद में पेड सर्विस हम बंद कर देंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ बता देता हूं राजस्थान स्टेट की, फिर से बता देता हूं अदर स्टेट की कट ऑफ नेक्स्ट वाले वीडियो में जल्द लेकर के आऊंगा। तो फर्स्ट राउंड की अगर गवर्नमेंट कट ऑफ देखें तो यूआर कैटेगरी में 670 कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। जहां पर SMS मिला करता था इस रैंक में, आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इस रैंक पर फर्स्ट राउंड में लास्ट कट ऑफ मिलेगा। यहां पर ऐसी सिचुएशन इस बार आ चुकी है और ये सबसे हाई कट ऑफ रहेगी ऑन इंडिया में। सभी स्टेट्स की अगर हम कट ऑफ देखें तो इंडिया में सबसे हाई कट ऑफ राजस्थान स्टेट के फर्स्ट राउंड की रहेगी। हालांकि दिल्ली स्टेट इससे भी आगे निकल जाता है, लेकिन दिल्ली स्टेट्स में सीट्स कम है और अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ 11th 12th पास करने से यहाँ एलिजिबल है, इसलिए दिल्ली स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जाती है। लेकिन राजस्थान स्टेट की कट ऑफ दिल्ली के बाद दूसरा नंबर आता है, पहले केरला का आता था, लेकिन अभी राजस्थान केरला को भी पीछे छोड़ने लग गया है। ओबीसी कैटेगरी 669, ईडब्ल्यूएस 668, ओबीसी 645, सॉरी एमबीसी 645, एससी कैटेगरी 590, एसटी 585 और एसटीए 450 कट ऑफ रह सकती है फर्स्ट राउंड में। एक बार सेकंड राउंड की देख लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा अंतर नहीं रहता, 1-2 मार्क्स का ही अंतर रहता है हाई कैटेगरी में। तो यूआर में 668, ओबीसी 667 और EWS 665, MBC 644, SC 585, ST 575 और STA 450 कट ऑफ रह सकती है सेकंड राउंड की। थर्ड राउंड की एक बार देख लेते हैं, तो UR कैटेगरी 663 जो लास्ट कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, OBC 661, EWS 660, MBC 640, SC 575, ST 540 और STA 400 कट ऑफ रह सकती है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान स्टेट में थर्ड राउंड तक ही लास्ट कट ऑफ मानी जाती है, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में लक से अगर कोई सीटें आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रे राउंड में सीटें आने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है राजस्थान स्टेट में। हो सकता है किस्मत से 1-2 सीट आ जाए, वो अलग बात है। अब बात करते हैं पेमेंट सीट के फर्स्ट राउंड की, तो राजस्थान की पेमेंट सीट का जो आपका कुल एक्सपेंस पड़ेगा वो 11 लाख पर ईयर पड़ जाएगा इस बार, क्योंकि हर साल 5% की इंक्रीमेंट होती है यहाँ पेमेंट सीट के लिए। तो इस बार सब कुछ मिला के 11 लाख पर ईयर का यहाँ पर एक्सपेंस पड़ेगा आपका, और 4.5 साल की फीस लगती है, यानी कि आपका 50 लाख रुपए, आधा करोड़ यहाँ की जो मैनेजमेंट सीट्स है गवर्नमेंट की, उन पर आपका इतना एक्सपेंस हो जाएगा। फिर भी इसकी कट ऑफ जो रहेगी वो काफी हाई रहेगी, यानी कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ यूआर कैटेगरी की 635 रहने की पॉसिबिलिटी है, ओबीसी 638,
EWS 637, MBC 610, SC 485, ST 435 और STA के सभी कैटेगरी सभी कैंडिडेट्स को सीट मिल जाएगी। STA कैटेगरी की जो सीट है वो वैकेंट रह जाती है पेमेंट सीट में, बाद में वो ST कैटेगरी में कन्वर्ट होती है। अब बात करें सेकंड राउंड पेमेंट की, तो जैसा कि गवर्नमेंट की कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड राउंड में ज्यादा अंतर नहीं होता है, ऐसे ही पेमेंट सीट पर भी ज्यादा अंतर नहीं होता है इसमें। तो फर्स्ट राउंड की UR कैटेगरी, सॉरी सेकंड राउंड की UR कैटेगरी की 635, OBC 631, EWS 633, MBC 609, SC 482, ST 430 और STA कैटेगरी के सभी कैंडिडेट को यहां सीट मिल जाएगी। थर्ड राउंड यानी लास्ट राउंड की बात कर लेते हैं, ये लास्ट राउंड ही होता है, इसके बाद स्ट्रे में अगर गलती से कोई सीट आ भी गई तो उसकी कट ऑफ इससे भी ज्यादा जाती है। तो UR कैटेगरी की 625 ये लास्ट कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है, OBC की 622 ये भी लास्ट रहने की पॉसिबिलिटी है, EWS की 620 और MBC की 600, SC की 375, ST की 320 और STA को ऑल कैटेगरी को यहाँ सीट मिल जाएगी। देखने वाली बात यह है कि UR कैटेगरी की जो राजस्थान की पिछली कट ऑफ रही थी 622 रही थी, इस बार 625 भी पेमेंट सीट की कट ऑफ रह रही है यहाँ पर। OBC की 620 पिछली साल गवर्नमेंट की रही थी, अब की बार 620 रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो पिछली बार गवर्नमेंट कॉलेज मिली थी, इस बार पेमेंट सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है आपको। अब एक बार RUHS डेंटल की बात कर लेते हैं, जहाँ गवर्नमेंट BDS है, UR कैटेगरी 630, OBC 622, EWS 620, MBC 610, SC 490, ST 440, ST 250 कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। MGMC UR कैटेगरी के लिए यहाँ पर 585 मार्क्स कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ये कैटेगरी वाइज राउंड वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फिर भी डिपेंड करेगा ये सीट्स इंक्रीमेंट पर, कितनी सीटें इंक्रीज होती हैं राजस्थान स्टेट की उनके ऊपर ये डिपेंड करेगा। जितनी पॉसिबिलिटी है मैंने उतना देख करके ये कट ऑफ आपको प्रेडिक्ट कर दी है, ऐसी कट ऑफ ये ही रहने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो बाकी अपडेट्स के बारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी, बाकी स्टेट की कट ऑफ मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।